नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सभी की बहन बेटी शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है और वही उनका जीवन भर के लिए वही घर हो जाता है और माँ बाप का घर बेघर हो जाता है। दोस्तों कुछ लोग अपनी बहन बेटी को शादी के बाद बुलाते भी नहीं हैं और उनके ऊपर खर्च करने से डरते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बहन बेटी पर खर्च करने के फायदे बताऊंगा, तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतना याद रखना कि बहन बेटी पर किया गया खर्च हमेशा फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। दोस्तों बहनें हमसे चंद पैसे लेने के लिए नहीं आती बल्कि बेशकीमती दुआएं देने के लिए आती हैं, हमारी बलाओं को टालने आती हैं और अपने भाई भाभी व परिवार को प्यार भरी नजरों से देखने के लिए आती हैं। दोस्तों मायका एक बेटी के लिए माया जाल की तरह होता है, वह मरते दम तक इसे नहीं भुला पाती। बाबुल का घर और बचपन की यादें शायद ही कोई बेटी भुला पाती होगी। कृपया करके एक बेटी को और एक बहन को और एक बुआ को एक ननद को उसके अधिकार से वंचित मत कीजिए। उससे प्रेम पूर्वक गर्मियों की छुट्टी में आमंत्रित कीजिए या फिर कोई त्योहार आता है तो उसको हमेशा बुलाइए। दोस्तों अगर बात अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।